टू एस एच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन सिखाने वाली हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप देख भी रहे हो यहाँ पर, और ये मैंने मल्टी कलर में बनाया हुआ है। आप इसको बची हुई ऊन से भी बना सकते हो, और लेडीज और बच्चों की स्वेटर पर आप इसको बना सकते हो। बच्चों की जो फ्रॉक होती है उसमें भी देखिए बहुत सुंदर लगेगा। ये नीचे वाले घेर में जब आप बनाओगे उसको तो बहुत सुंदर लगेगा, या फिर आप सिर्फ गले में इसको डालिए, नीचे डालिए, उसमें भी बहुत प्यारा ये बनेगा। तो इसके दो फायदे हैं, आप इसको बची हुई ऊन से भी बना सकते हो, या फिर आप अगर मल्टी कलर में इसको लेकर के ऐसे भी बना सकते हो। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं इस डिजाइन की ओर। अगर आपको डिजाइन और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसके साथ मेरा एक और चैनल है, ब्लॉग चैनल, उस पर भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे के रखा है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने फंदे रखने हैं 6 के मल्टीपल में, प्लस कर लेना है 2, 6 से गुणा करके फंदे रखने हैं, और जमा उसमें 2 कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाए हैं 32 स्टिचेस, 32 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं, और जितने मर्जी कलर में आप इसको बना सकते हो, जितने भी कलर आप इसमें यूज करना चाहते हो। आप चाहे इसको सिर्फ 2 कलर में भी बना सकते हो, या जितने आपके पास कलर है उतने से आप इसको बना सकते हो। मैंने 3 कलर यहाँ पर लिए हैं और 4 का ये बेस दिया है, तो 4 कलर में मैंने बनाया है। आप इसको 5 में भी बना सकते हो, 6 में भी बना सकते हो, या 2 में भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा के अनुसार। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं इस डिजाइन की। ये हमारी रोवन है, राइट साइड से सीधी तरफ से पहली रो। देखिए, जिस जो भी आपने बेस कलर लिया है, जिस कलर से आपने बॉर्डर बनाया है, उसी कलर से हमने यहाँ पर बनाना है। तो पहले बॉर्डर बना लेना है, और उसी सेम कलर से हमने देखिए पहली रो सीधी तरफ से, पहली रो सीधी तरफ से पूरी हम ये सीधे बनाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, सिर्फ सीधे सीधे बुनते जाना है, और सेम कलर से, जिस कलर से आप बॉर्डर बना रहे हो उसी कलर से आपने ये डिजाइन की पहली रो सीधी बना लेनी है, और इसके बाद तीसरी रो भी सीधी बना लेनी है। अब आ जाइए दूसरी रो में, उल्टी तरफ से रो 2 रॉन्ग साइड से। तो रो 2 रॉन्ग साइड से देखिए पूरी हम ये उल्टी बनाएंगे, इस तरह से आपने भी रो 2 उल्टी बना लेनी है, सेम कलर से जिस कलर से हमने रो 1 बनाई, और उसके बाद रो 3 तीसरी हमें सीधी तरफ से सीधी बनानी है इसी कलर से। तो ये 3 रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 4th रो बताती हूँ, 4th रो किस तरह से हमारी पड़ेगी। तो देखिए, रो 3 तक मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, 3rd रो तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए 4th रो डिजाइन की, अब देखिए 4th रो है हमारी ये। अब 4th रो रॉन्ग साइड से, 4th रो रॉन्ग साइड से क्या करेंगे, यहां पर अब हम धागा चेंज करेंगे। यहां पर जिस कलर का भी धागा आप लगाना चाहते हो उस कलर का धागा आप लगा लीजिए, मैं ग्रीन कलर का धागा यहां पर लगा रही हूं। धागा चेंज करेंगे और उल्टी तरफ से हम धागा चेंज कर रहे हैं, आपने ध्यान रखना है, और ये रो हमारी 4th है। और धागा चेंज करने के बाद हम ये पूरी रो उल्टी बनाएंगे, धागा चेंज करेंगे और रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बनाएंगे, रो 4 रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बनाएंगे धागा चेंज करके। अब आ जाइए रो 5th में, राइट साइड से 5वीं रो सीधी तरफ से। इस रो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी रो में सिर्फ ये डिजाइन पड़ता है। तो देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर ये हमारा एज स्टिच है और यहां से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, धागा हमारा पीछे की तरफ ही रहेगा और आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये हमारी जाली यहां पर पड़ गई, देखिए बीच में हमारी जाली पड़ गई, एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया यहां पर, एक फंदा उल्टा बनाया। अब आगे वाले 3 फंदे 3 का एक करेंगे, लेकिन ये हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। देखिएगा आप, 3 का एक फंदा किया और ये हमने उल्टा बनाया। अब एक फंदा और हम यहां पर उल्टा बनाएंगे ऐसे ही,
अब उसके बाद देखिए धागा हमारा ये आगे की तरफ ही रहेगा और आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। और देखिए यहां से फिर से हम पैटर्न रिपीट करेंगे, एज स्टिच छोड़ के जो हमने किया था वही हमने बार बार रिपीट करना है, 6 फंदों में जो हमने किया। देखिए क्या किया, ध्यान से देखिएगा, धागा हमारा पीछे की तरफ ही रहेगा, एक फंदा हम यहां पर उल्टा बनाएंगे, ये जाली हमारी पड़गी यहां पर देखिए, आगे वाले 3 फंदों का एक फंदा करेंगे और ये हम उल्टा बनाएंगे, ये देखिए 3 का एक फंदा कर लिया, उल्टा हमने बनाया है ये। अब एक फंदा ऐसे ही उल्टा बनाएंगे और आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे, लेकिन धागा हमारा अब आगे की तरफ ही रहेगा, ये देखिए यही बार बार रिपीट करते जाना है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ इधर यहाँ और यहाँ हमारा फंदा बढ़ रहा है और बीच में हम 2 फंदे ये कम कर रहे हैं, तो वापिस से हमारे फंदे उतने ही हो रहे हैं, 6 के 6 फंदे रह रहे हैं। तो फिर से देख लीजिए एक बार, देखिए क्या किया था, एक फंदा पहले उल्टा बनाएंगे लेकिन धागा हमारा पीछे की तरफ रहेगा, फिर हम ये फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर आगे वाले 3 फंदों को एक साथ इकट्ठा बनाएंगे, उल्टा 3 का एक करेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा आगे की तरफ ही रहेगा और आगे वाला फंदा सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करते जाएंगे। अब देखिए ये रो मैंने यहां पर कंप्लीट कर ली है, लास्ट के 2 फंदे मेरे पास बचे हैं। यहां पर मेरा फंदा ये उल्टा आया है, ये वाला जो डिजाइन हम डाल रहे हैं यहां पर उल्टा फंदा है। अब आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे लेकिन धागा हमारा आगे की तरफ ही रहेगा, यहां पर भी जाली हम डालेंगे और लास्ट का फंदा सीधा ऐसे ही बना लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए अब यहां से एक रो हम पूरी ये उल्टी बनाएंगे लेकिन यहां पर हम धागा चेंज करेंगे, यहां पर मैं लगा रही हूं ये पिंक कलर का धागा, जो बेस जिस धागे से हम दे रहे हैं वही हम यहां पर बनाएंगे और ये पूरी रो 6 रॉन्ग साइड से हम पूरी उल्टी बना लेंगे। सारे फंदे हमने जो जाली वाला फंदा है वो भी इसमें उल्टा बनाना है, ये देखिए जो जहां भी हमारी जाली डली है वो भी हम उल्टा बनाएंगे यहां पर, ये देखिए इस तरह से पूरे फंदे आपने बनाने हैं, पूरे जैसे मेरे 32 फंदे हैं तो 32 के 32 फंदे ही हमारे यहां पर ये होने चाहिए। अब देखिए 6 रो कंप्लीट करने के बाद हमारा डिजाइन यहां पर ये ओवर हो जाता है। अब देखिए रो 1 से लेके रो 6 तक ही आपने कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो, बस आपने धागा चेंज करते जाना है। ये देखिए हर 4th रो में आपने धागा चेंज करना है जो रॉन्ग साइड से, जैसे मैंने यहां पर ये ग्रीन कलर का धागा लगाया, अब आप हर 4th रो में वैसे ही पिंक कलर का लगा सकते हो, जो डार्क ये मैजेंटा कलर मैंने यूज किया है यहां पर और ये येलो कलर किया है, वैसे वैसे आप ये चेंज कर सकते हो। 4 रो देखिए हमारी ये इस कलर से पड़ती हैं, पिंक कलर के से जो बेस रो है, बाकी 2 रो पड़ती हैं ये बीच में अलग अलग धागे से, वो आपने बनाते जाना है। 4th और 5th रो हमारी ये पड़ती है। तो देखिए इसी तरह से आपने कंटिन्यू करते जाना है, रो 1 से लेके रो 6 तक ही कंटिन्यू करना है और जितना भी आप पैटर्न डालना चाहते हो, जैसा भी आप बनाना चाहते हो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट।